स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इस टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्राइज ऑफ पेशेंट। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेशेंट को आपातकालीन स्थिति में जाने पे, जैसे कि मान लीजिए किसी भी देश में या कंट्री में या किसी स्टेट में भूकंप आ जाता है, तो उस टाइम पेशेंट की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे जो है उस स्टेट के या गवर्नमेंट के जो रूल्स के मुताबिक डॉक्टर की टीम जाती है, तो उसमें जो है एग्जैक्ट ही ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। इस स्थिति में पेशेंट को कैटेगरी के बेस पे बांटा जाता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसी को ट्राइएज कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्राइएज ऑफ पेशेंट। ट्राइएज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड फॉर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट एज कंपेयर्ड टू देयर चेंज ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम सच केयर। ये जो प्रोसेस एक प्रतिक्रिया होती है जिसको जल्दी ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइएज इज डन इन एमरजेंसी रूम। इसमें एमरजेंसी रूम होता है, डाइजेस्टर्स एंड वॉर्म्स व्हेन लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज मस्ट बी अलोकेटेड टू मैक्सिमाइज। और इसमें जो है आपके मेडिकल के रिसोर्सेज होते हैं। द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, सॉरी, और इस तरह से उनमें जो है सर्वाइवर्स होते हैं और जिनके द्वारा वो पेशेंट की सेवा की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कलर कोडिंग में रेड। रेड फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, मोस्ट मोस्ट अर्जेंट होता है। लाइफ थ्रेटनिंग शॉक और हाइपोक्सिया इज प्रेजेंट और इमीडिएट, बट द पेशेंट आर लाइकली बी स्टेबिलाइज एंड इफ़ गिवन इमीडिएट केयर विल प्रोबेबली सर्वाइव। इसमें जो है पेशेंट को इमीडिएट जल्दी ही ज़रूरत पड़ती है किसी भी ट्रीटमेंट की, जल्दी ही ज़रूरत होती है कि उसे ट्रीटमेंट दिया जाए और वो खतरे में होते हैं, और इसे जो है मोस्ट अर्जेंट में बांटा गया है। और इसके जो भी रेड कलर के में जो पेशेंट आते हैं उन्हें जो है तुरंत ही इमीडिएट ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड होता है येलो, या हम कह सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी जो अर्जेंट होता है। दिस इंजरी हैव सिस्टमेटिक इम्प्लीकेशन और इफ़ेक्ट। इसमें जो है इंजरी को देखा जाता है। इन पेशेंट्स या येलो कलर के जो कैटेगरी में पेशेंट्स आते हैं उनके इंजरी को देखा जाता है, बट पेशेंट आर नॉट येट इन लाइफ थ्रेटनिंग शॉक ऑफ हाइपोक्सिया। इसमें जो है पेशेंट शॉक ऑफ हाइपोक्सिया में नहीं जाते हैं, यानी कि वो आल्थो चाहे सिस्टमेटिक डिसलाइन में इंश्योर गिवन अप्रोप्रिएट केयर कैन लाइकली विदस्टैंड ए 45 to 60 minute वेट विदाउट इमीडिएट रिस्क। इसमें जो भी पेशेंट आते हैं वो जो है 45 से 60 मिनट तक विदाउट किसी रिस्क के जो है वेट कर सकते हैं, और उनको जो है दूसरी कैटेगरी यानी कि येलो में बांटा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन या थर्ड प्रियोरिटी आती है जो कि नॉन अर्जेंट होता है। इंजरीज आर लोकलाइज्ड विदाउट इमीडिएट सिस्टमिक इम्प्लीकेशन विद ए मिनिमम ऑफ केयर। इसमें जो है जो भी पेशेंट के इंजरी को देखा जाता है उस पेशेंट में जो है मिनिमम ऑफ केयर बहुत ही कम कम ज़रूरत पड़ती है केयर की। दिस पेशेंट जनरली आर अनलाइकली टू डिटेरियोरेट फॉर सेवरल हावर्स इफ़ एट ऑल। इसमें जो है काफ़ी समय तक जो है पेशेंट इंतज़ार कर सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्लैक कलर होता है जो कि डेड होते हैं। नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ इन ए मास कैजुअल्टी इंसिडेंट एंड एनी पेशेंट हु हैज़ नो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन और सर्कुलेशन इज क्लासिफाइड एज डेड। सम प्लेस कैटेस्ट्रोफिकली इंजर्ड पेशेंट हु हैव ए स्लिम चेंज फॉर सर्वाइवल रिगार्डलेस ऑफ केयर इन दिस ट्राइज कैटेगरी। इसमें जो भी पेशेंट आते हैं वो डेड हो चुके होते हैं और उनमें जो है कोई भी ऐसी बात नहीं रहती और वो जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था ट्राइज, ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हुआ।
उम्मीद है आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और अगर आप लोगों को मेरी इस इन वीडियो से अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है, या ओटी का कोई भी स्टूडेंट्स हो या पैरामेडिकल का स्टूडेंट्स हो, तो वो इस चैनल को, या आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ताकि आपको बिना किसी पेमेंट के आपको जो है क्लासेस मिलती रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।